कमाने वाला एक और खाने वाले दस, इसी फार्मूले पर हम सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। और ऐसे में महीना शुरू हुआ नहीं बीबी का घर के खर्च का मुतालबा करना कोई नई बात भी नहीं रही। गुस्सा तो होता है ना कि खर्चे वर्चे फिर रुक जाते हैं। महीने की पहली तारीख बीवी के लिए जितनी खुशी लेकर आती है, बात छोरों के लिए उतना ही दुख। सैलरी, क्योंकि बीवी भी सैलरी से चलती है ना, उसको भी कुछ अपने पास रख लेना चाहिए, लेकिन वाइफ को देना चाहिए क्योंकि वो सारा घर का निजाम संभालती है। वो कुछ शोहर सारी तनख्वाह अपने हाथ में ही रखना पसंद करते हैं। बीवी वो तरीके से मैनेज कर सके जो हम मैनेज कर सकते हैं। मगर हमारे ही मौशरे में कुछ मर्द हजरात ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं कि बीवी के अपने भी कुछ अखराजात होते हैं, इसीलिए इनकी तनख्वाह में जितना हक उनका है उतना ही बीवी का भी है। एक्सपेंसेस जितने भी उसके हैं फ्रॉम द सैलरी डिडक्ट करके उसको दे देता हूं, और रिमेनिंग सैलरी जो मैं अपने पास रखता हूं फॉर माय ओन एक्सपेंसेस उन्हें दे देनी चाहिए। उन्हें पता है कि आटे दाल भाव क्या भाव है उसका, और वो उसको सही यूटिलाइज कर सकती है। बाज घरों में हर माह इख्तलाफात की वजह ही बीवी से तनख्वाह का कुछ हिस्सा छुपा लेने के साथ अपनी तनख्वाह को कम बताना भी है। मगर मियां बीवी गाड़ी के वो दो पहिए हैं जिनको चलना तो एक साथ ही है, चाहे खर्चा बीवी चलाए या शोहर। कैमरामैन खालिद शाह के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।